और इस तरह से देखिए इसे जो है ये ढोकर उधर लेने वाली है। कौन सा गांव का है वो गांव? पीने के लिए पानी है। हाँ। कहाँ घर कौन जगह है? उधर है, उधर है। कितना दूर ढोना पड़ रहा है? दूर। हाँ। जंगल तरफ। जंगल तरफ। तो उधर कुआं नहीं है क्या? नहीं है। चापाकल नहीं है, नहीं है? हाँ। तो इधर से लेके देंगे। दोनों कोई हाँ। आओ ना इधर, तुम लोग कहाँ डर रही है? इधर बताओ, नाम बताओ ना, हम लोग रिपोर्टिंग करने आए हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा देखिए, हमें पता ही नहीं है हमको किधर जाना है। यहाँ के कोई भी गांव के लोग होंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि चाईबसा के लिए रास्ता किधर है। वहाँ पे कुछ लोग हैं तो चलिए बात करते हैं, क्योंकि एक सड़क जो है अच्छी उस तरफ जा रही है और ये सीधा जो है कहाँ लेकर जाएगी हमें नहीं पता है, और गांव भी कौन सा है हमें नहीं पता है। उससे पूछ लेते हैं, वो बच्चा से पूछते हैं, वो बच्चा हम लोग को बता पाएगा। चाईबसा जाने का रास्ता कौन है? चाईबसा और वो जो सड़क जा रहा है पक्का, वो उधर वाला चाईबसा तो यही है, सीधा जाना है। ठीक है, तो चाईबसा सीधा जाना है। तो देखिए हमने बात की और पता चला कि हमें जो है उधर जाना है, और आपको हम सड़क भी दिखा रहे हैं, और देखिए किस तरीके से सड़क है, जर्जर सड़क बताया जाए तो। देखिए रास्ता क्लियर आ रहा है ना? बढ़िया, देखिए कैमरा में तो बढ़िया आ रहा होगा लेकिन सड़क का हालत बहुत ख़राब है। हम लोग चाईबसा के लिए निकल रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मधु जी हैं जो पीछे कैमरा संभाले हुए हैं, और हमारा जंगलों का सफ़र एक तरह से कहा जाए तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का सफ़र आज हम आपको सैर करा रहे हैं। बिल्कुल सुनसान रास्ते हैं, सड़कों पे आपको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे ना गाड़ियाँ चल रही हैं ना कोई इंसान नज़र आ रहा है। रास्तों की हालत आप देखिए, चाईबसा जाने के लिए यही रास्ता बोला गया हमें, और हम लोग धीरे धीरे करके इस तरह से पहाड़ों से उतर रहे हैं, क्योंकि अभी ढलान पड़ रहा है और रास्ता भी धीरे धीरे और ख़राब होते जा रहा है। बड़े बड़े पत्थर निकले हुए हैं, तेज़ रफ्तार भी चलाना एक तरह से मुश्किल हो रहा है क्योंकि फिसलने का भी डर है। और इस तरह से देखिए यहाँ पर तीन घर दिखाई दे रहे हैं आपको, कौन सा बस्ती है क्या है हमें नहीं मालूम। और आगे खाइए, आगे की तरफ और दो बस्ती है, और सड़क की हालत तो आप देख ही सकते हैं। आज वोटिंग का समय है, हो सकता है गांव के ग्रामीण जो हैं पोलिंग बूथ गए होंगे, मगर यहां पर देखिए क्या देखिए, पीने वाला पानी ले जा रहे हैं, पीने वाला पानी है ये सब। हाँ, पीने वाला कहाँ से पीते हैं? हाँ, कौन सा गांव है? गांव ये गांव कौन है? डाऊ आ रहा है कवरेज। क्या टोली, हम तो नाम ही नहीं जा रहे, नाम क्या बता रहेगा कौन का गाँव? बिरसिंगा। ये जो पानी है कहाँ से ला रहे हो बाबू? उधर से। ये जो घर में नाली मतलब नल वल नहीं लगा है? नहीं। चापाकल नहीं लगा हुआ है। और कुआं? कुआं एक तो उधर में है। तो यहीं से पानी पीना है? हाँ। पानी यहीं से पी रहे हो? दूर है, उधर दूर है। आओ 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 पास में आ जाओ। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लोग जो है पानी कहाँ से पी रहे हैं। आपको ये देखना काफ़ी एक तरह से ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि आज वोटिंग है और चुनाव के समय में देखा जाए तो जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वोट करते हैं, वे कहते हैं कि क्षेत्रों का विकास होगा। तो मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूं कि आखिर ये लोग पानी कहां से लेकर आ रहे हैं। रिकॉर्ड हो रहा है? तो यहां पर देखिए, यहां से आप लोग पानी पीते हैं? अच्छा, पीने के लिए ही ले जा रहे हैं कि कुछ
और के लिए, पीने के लिए, पीने के लिए। अच्छा ये यहाँ पर देखिए किस तरह से, एक तरह से देखा जाए तो ये नाला है, नाला इधर से बहते हुए जा रहा है नीचे की तरफ और यहाँ पर गड्ढे खोदे गए हैं और थोड़ा साफ पानी है मगर उतना भी साफ नहीं है, देखा जाए तो बिल्कुल गंदा हो चुका है। और इस तरह से देखिए इसे जो है ये ढोकर उधर लेने वाली है। कौन सा गांव का है वो गाँव? पीने के लिए पानी है। हाँ। कहाँ घर कौन जगह है? उधर है, उधर है। कितना दूर ढोना पड़ रहा है? दूर जंगल तरफ। तो उधर कुआं नहीं है क्या? चापाकल नहीं है, नहीं है? हाँ। तो लेके दोनों कोई। हाँ। आओ ना इधर, तुम लोग कहाँ डर रही है, इधर बताओ, नाम बताओ ना, हम लोग रिपोर्टिंग करने आए हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा देखिए नाम, नाम बताओ। मैं जानते वही पाई। अच्छा अच्छा, गांव कौन सा है? बीर सिंह। तू क्लास में हो? 9th क्लास। 9 जी। और तुम कितना क्लास में? केजी। हाँ। इतना बड़ी केजी क्लास में। हाँ। अच्छा ये जो पानी ढो के, मतलब पानी लेने आई हो तो इसको लेकर कहाँ जाओगी अभी? घर। घर। हाँ। क्या करोगी इस पानी का? पिएंगे और खाना बनेंगे इसे। तो यहाँ तो देख रहे हैं बहुत गंदा पानी है, उधर भी गंदा पानी है। कितना दिन से यहाँ से पानी पी रही है तुम लोग? इतना दिन से। कितना दिन से? इतना दिन से। और इधर तो मतलब ये टंकी भी नहीं है। पहले से ही? हाँ पहले से। मतलब आज से नहीं, बहुत पहले से? हाँ। सब लोग तो जब यहाँ पे बारिश का पानी बढ़ जाता होगा उस समय कहाँ पीती हो पानी को? ये वाला के पियेंगे साफ करके। साफ करके? हाँ। जैसे यहाँ तो एक तरह से नाला है और नदी है तो बरसात में तो ये तो यहाँ पे पूरा भर जाता होगा। हाँ। भर जाता है। हाँ। तुम बस पानी लाती हो कि घर के माँ लोग भी? माँ लोग भी। हाँ। तुम भी ढो के ले जाओगी? जी। तो देखिए ये लोग जो है शर्मा रही है लेकिन मैं आप ये जमीनी हकीकत दिखा रहा हूँ इन क्षेत्रों की। गांव कौन सा था बोले? गांव बिरसिंहातू। बिरसिंहातू गांव है। इस गांव में देखिए किस तरह से पेयजल की समस्या है। हम आपको रेंगड़ा हाथू लेकर गए थे, वोटिंग काफ़ी जोरों शोरों से यहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं लेकिन गाँव में किस तरह से समस्याएँ हैं आज हमें इस तरह से देखने को मिल रही है क्योंकि कुआं नहीं है, चपाकल नहीं है, ऐसा यहाँ का लोगों का कहना है। और इसी नाली से एक तरह से देखा जाए तो ग्रामीण पानी पीने के लिए बेबस हैं। यहाँ पे और भी कई लोग हैं जो गांव के ग्रामीण हैं, उनसे भी हम जानेंगे। नाम बताइए तो आपका, इनसे तो बात हुआ था, बात हुआ था। नाम जी? नाम बामी। आपका नाम बताइए। नाम कितना क्लास, कितना क्लास में? पढ़ाई नहीं, पढ़ाई नहीं किया है। कितना साल से ऐसा पानी पी रहे हो जी? पहले से ही? पहले से, पहले शुरू से ही? हाँ। अच्छा बीमार उमार नहीं हो जाता है? नहीं, इसी को पीते हो? हाँ। अच्छा तो देखिए गांव के ग्रामीण, ठीक है आ जाइए आ जाइए, हम चलते रहेंगे। तो गांव के ग्रामीण बता रहे हैं कि पीने का पानी जो है यहीं से ये पीती हैं। यहाँ पर देखिए आखिर कहाँ का पानी ये लोग पी रहे हैं, आपको देखना चाहिए। देखिए पानी इधर से नाला से होते हुए आ रहा है, जगह जगह पर यहाँ पर पत्ते गिरे हुए हैं, कचरा भरा हुआ है, कितना ज़्यादा इन पानी में बैक्टीरिया होगा। लेकिन यहाँ के गांव के लोग आखिर स्वच्छ पानी पिए कहाँ से, सबसे बड़ा सवाल यही है। सरकारें तो किसी की भी आ सकती है, हर 5 साल में सरकार बदलती ही है लेकिन गांव के रहने वाले आदिवासियों का जीवन बदलता क्यों नहीं है, यही हमारा सवाल है। क्योंकि हर 5 साल में लोग यही उम्मीद करके वोट देते हैं कि यहाँ का जनजीवन ठीक हो जाए लेकिन उनका जनजीवन आज ठीक नहीं होता दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि ऐसे नालियों का पानी यहाँ के ग्रामीण पीने के लिए बेबस हैं। कई घर यहाँ पर बने हुए हैं, अब हर घर नल जल योजना के तहत जगह जगह हर घर में नलकूप चपाकल पेयजल की सुविधा देने की बात जो है सरकार द्वारा की जाती है मगर हकीकत क्या है यही बता पाएंगे। नल है घर में? नल चपा नल घर में है? हाँ। चपाकल है? चपाकल नहीं है तो नल बोलते हो जी, चापाकल है कि नहीं बताओ? नहीं है तो हाँ बोलता है। कुआं है कि? कुआं है। हाँ। तो कुआं में कहे नहीं पी रहा और इसको ले जा रहे हो? उधर ले। दूर में है? दूर है। और ये नजदीक है? हाँ। बहुत दूर है वो? बहुत दूर है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये पढ़ाई भी एक्चुअली नहीं किया है, स्कूल जाता है ये तुम जी? स्कूल नहीं जाता है, छोड़ दिया? कहा है कितना क्लास में छोड़ दिया? 8 क्लास में। 8 क्लास में। पिताजी कहाँ कहाँ काम करते हैं जी? क्या काम करते हैं? कुछ नहीं। खेती बाड़ी? नहीं। लकड़ी उकड़ी बेचकर? लकड़ी उकड़ी बेचकर क्या? नहीं। इधर का लकड़ी उकड़ी चाय बसा ले जाता है? नहीं। है ना?
तो देखिए यहाँ पर मत कट करिए हवा। तो देखिए गांव के लोग जो हैं और बच्चे देखिए साइकिल में किस तरह से यहाँ पर पानी जो है लेने के लिए इस नाले में आ रहे हैं। ऐसी तस्वीरें वो भी आज भारत में देखने को मिल रही है, तो कितने दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पर एक महिलाएँ हैं, क्या नाम है आपका? रुक जाइए, नाम बताइए ना। पानी पानी वहीं से लेने आ रहे हैं। हाँ आती है नलकूप, गांव में नलकूप यही नहीं जानती है ना। हो बोल रही है, मुंडा की हो हाँ, तो हो भाषा बोल रही हैं। तो पानी लाने के लिए देखिए किस तरह से ये महिला पानी लाने के लिए वहाँ पर नाले के पास जा रही है। ये है हमारे देश के एक तरह से कहा जाए तो हकीकत कि कैसे आदिवासियों का जीवन इन घने जंगलों के बीच में आज देखा जाए तो जीने के लिए विवश है। हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, हम आगे चाईबसा की तरफ आगे बढ़ेंगे और हमें आगे पता भी नहीं कि आगे, अच्छा रास्ता आगे कहाँ पर है? चाईबसा यही रास्ता जाएगा ना, चाईबसा जाएगा, चाईबसा जाएगा। आगे कौन सा गाँव मिलेगा? सड़क ऐसा ही रहेगा, सड़क ऐसा ही रहेगा, अच्छा सड़क नहीं मिलेगा। उधर बीर सिंह और आगे पूर्णा पानी में अच्छा सड़क रहेगा। अच्छा यहाँ पे 1, 2, 3, 4 आगे भी घर है, आगे भी घर है, जंगल तरफ घर है। वो लोग क्या से पानी पी रहा है? कुआं है, वो लोग कुआं से, लेकिन इधर चार को घर का सब इसी से। अच्छा बरसात में बहुत दिक्कत होता होगा ना, आदमी कैसे पिएगा जी, बरसात में तो भर जाता होगा। तो कोई उपाय ही नहीं है, गाड़ी भी तो बोरिंग भी नहीं किया है ना, कर देता तो बढ़िया होता है ना। ठीक है, रास्ता भी नहीं है ना, रास्ता भी नहीं है, पानी भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा समस्या है एक तरह से कहा जाए तो ना। और इधर वो सब तो है कि इधर तो बना हुआ, यहाँ पर नहीं बना हुआ, मतलब उधर बना है। तुम तो बना हुआ, तुम लोग यहाँ नहीं बना, क्या है नहीं बना, गाँव में नहीं बना, क्या है नहीं बना जी, क्या बोला बनाने वाला? नहीं जानता है, लेकिन बनना चाहिए ना। हाँ बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा गंदा पानी पी के तो बीमारी हो जाएगा ना। हाँ कितना कीटाणु है जी उस नाली का पानी को, तो आदमी नहीं पिएगा, लेकिन तुम लोग पी रहा है, बताओ। पानी भी नहीं है तो क्या करेंगे, पानी ही नहीं है ना। और गर्मी का समय है, प्यास तो लगेगा ही, जानवर भी वही पी रहा है, पशु पक्षी लोग भी पी रहा है ना, बैल बैल बोल। बारिश आ रहा है ना, गंदा है, बारिश आएगा तो और भर जाएगा और गंदा हो जाएगा ना।